बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज शाम लेकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि तो टैंकरों में आएगा गंगा जल और यूपी से शुरू होगी इस बार कांवड़ यात्रा। तो दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो में देंगे। सीएम योगी ने क्यों कहा कि टैंकरों में आगे गंगा जल और यूपी से ही शुरू होगी कांवड़ यात्रा, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेकम हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया तो चला कर वो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर जो पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किए जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसे हरी झंडी दिए जाने के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या यूपी में इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होगी या नहीं। गत दिवस कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के DGP ने की 7 राज्यों में अधिकारियों के संग बैठक के बाद कहा कि हरिद्वार कांवड़ियों के लिए बंद रहेगा और यहां पर कांवड़िए आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जल विषयक के लिए बैठक में एक विषयक विकल्प पर भी विचार किया जाए। इसके तहत क्षेत्र विजय से और टैंकर गंगा जल से ले जा सकते हैं। इस टैंकर से जल लेकर स्थानीय मंदिरों में जल विषयक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसके तहत प्रत्येक थाना स्तर पर तैयारी की जाने की जरूरत है। थाना पुलिस अपने क्षेत्र की कांवड़ समितियों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद यदि उस क्षेत्र में 1000 लोग कांवड़ लेकर आते हैं, उनके में प्रतिबंध के रूप में कुछ लोग टैंकर से गंगा जल ले जा सकते हैं। इसमें हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सहयोग करेगा। इससे ना तो बेवजह भीड़ होगी और ना ही आदेशों का उल्लंघन होगा। इससे विकल्प पर लगभग सभी अधिकारियों ने सहमति बताई है। जहां दोस्तों बता दें कि सड़क मार्ग पर बॉर्डरों को प्राइवेट वाहनों के लिए तो बंद कर दिया जाएगा, असल चुनौती बसों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों को पहचानने में होगी। इस बाबत की पुलिस अधिकारियों का कहना कि इंटेलिजेंस इसके लिए क्रियाशील रहेगी। DVG ने बताया है कि हरिद्वार की सीमाओं पर यात्रा अवधि में अतिरिक्त चौकसी बात यह है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की जनता ने सहयोग किया था। इसके लिए कुछ दिनों तक संख्या बढ़ती गई थी, इसके बाद ढिलाई में हुई, लेकिन फिर भी जनता नहीं आई थी। अब इस साल भी सभी वार्डों पर अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया जाएगा। अब इस बात को लेकर असमंजन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा को अनुमति देने की बात कही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेकम हिंदू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाँ दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।